हेलो दोस्तों, वेलकम माय ब्लॉग चैनल। दोस्तों मेरा नाम दिलीप है और आप देख रहे हैं दिलीप दीप ब्लॉग्स। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो दोस्तों हम सभी बेरोजगार युवा छात्रों के ऊपर है। दोस्तों हम सभी बेरोजगार युवा छात्रों का हर सरकार में जो है भविष्य बर्बाद ही होता रहता है। सरकारों का क्या, तो सरकारें आती जाती रहती हैं दोस्तों, और हम सभी बेरोजगार युवा छात्रों का भविष्य बर्बाद होता रहता है। तो NTPC के छात्रों के ऊपर पुलिस जो है लाठी चार्ज, यानी कि हॉस्टल से निकाल निकाल कर, रूम से निकाल निकाल कर बच्चों को मारा जा रहा है, हम सभी बेरोजगार छात्रों को। दोस्तों मैं भी इस समय अपने रूम पर ही हूँ, और जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मुझे लगा देखो, एक तो एक जो विद्यार्थी है वो पूरे मतलब अपनी एक वैकेंसी के लिए फुल तैयारी करता है, उसके बाद में वो एक वैकेंसी पाने के लिए वो घर से बाहर रहता है 50, 100, 200 जब मतलब किलोमीटर दूर अपने घर से रहता है, और उसके बाद भी उसे लाठी खानी पड़ती है। और दोस्तों सरकार क्या क्या मतलब, वो तो अपने करोड़ों की गाड़ी और सब में चलते रहते हैं, लेकिन इस समय जो है पटना में जो है बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज की है पुलिस ने, हॉस्टल से निकाल कर मारा है। दोस्तों एक वैकेंसी को पूरा होने में करीब करीब 5 वर्ष लग जाते हैं। अगर उस युवा की उम्र 20 साल है और उस वैकेंसी को पूरा होने में 5 वर्ष लग रहे हैं, तो पूरे 25 साल दोस्तों हो जाते हैं। अब 25 साल में वैकेंसी मिले ना मिले, उसमें वैकेंसी निरस्त हो जाती है या तो फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो जाती है, इसके कारण वैकेंसी निरस्त कर दी जाती हैं। उसमें भी कोई मतलब फुल किसी को जानकारी नहीं है, और बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ तो गलत करते हैं, या बाकी सरकार तो युवाओं के साथ खेल ही रही है। और एक सरकार नहीं, सब सरकारों का यही है, बड़े बड़े वादे करना, उसके बाद में जब सरकार बन जाती है उसके बाद में कहाँ जाए, भाड़ में जाए बेरोजगार युवा। और इस समय सभी बेरोजगार युवा NTPC जो है उसके लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों जो युवा बेरोजगार है वो अपने घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाके रहता है, पढ़ता है, और घर वालों की उम्मीद तो रहती है, उसके बाद में अगर एक बार भी घर आ जाए बच्चा तो पड़ोसियों के ताने, रिश्तेदार के ताने, स्टूडेंट विद्यार्थियों को सहने पड़ते हैं। दोस्तों ये मतलब रियल बात है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। अगर एक विद्यार्थी अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको अगर नौकरी उसकी नहीं लगी तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है पूरी बर्बादी में ही गुजरती है, क्योंकि ना तो वो काम कर सकता है। तो इसलिए जो है जो छात्र है, पढ़ा लिखा छात्र का जो है भविष्य जो है पूरा खतरे में रहता है। दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने सभी भाइयों से कि पढ़ाई को ही लेकर मत बैठो, पढ़ाई के साथ साथ इस हमारे इंडियन कल्चर में पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ तो ज़रूर बिजनेस करो, भले छोटा करो, कोचिंग पढ़ाने लगो, ऑनलाइन CSC केंद्र खोल लो। इससे जो है पढ़ाई के साथ साथ हम सभी लोगों मतलब हम मैं भी खोलने वाला हूँ दोस्तों, हम सभी लोगों का कुछ न कुछ तो आगे का भविष्य खतरे में तो नहीं पड़ेगा। अगर नहीं नौकरी मिली तो ये ऐसे जो हैं इनसे कुछ न भविष्य तो आगे बढ़ सकता है। दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से। दोस्तों नेताओं का क्या, नेता तो अगर एक बार उनकी सरकार बन गई तो वो अपने बच्चे तो अमेरिका, वेस्ट इंडीज, लंदन, इस जगह यहाँ मतलब वहाँ पढ़ा लेते हैं, पढ़ने के भेज देते हैं, पैसा तो जनता का ही है, जनता का खून चूसते हैं और क्या। और गरीब के बच्चे हैं, जाते हैं 2,000-3,000 रुपये पर मंथली उन्हें खर्चा मिलता है, उसी में उनको कमरे का देना होता है, उसी में खाना, उसी में खर्चा, उसी में पढ़ाई, सब कुछ उन्हें निकालना पड़ता है। अगर नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो घर चले आओ, खेती बाड़ी करो, लोगों के ताने सुनो, पूरा ज़िंदगी भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कहना है आप लोगों से, कुछ ना कुछ तो बिजनेस लेके चलें, नहीं तो पूरा भविष्य खतरे में है। जिस तरीके से मैंने वीडियो देखे हैं छात्रों के ऊपर डंडे किस तरीके से बरस रहे हैं, किस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, इसीलिए दोस्तों मेरा सिर्फ आप लोगों से यही करना है। दोस्तों मेरा जो चैनल है वो दिलीप दीप ब्लॉग्स के नाम से है, और आप लोगों को बस कुछ जानकारी और बाकी ब्लॉग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कुछ हमारे जो बेरोजगार युवा छात्र हैं उनको कुछ ना कुछ तो होता है, तो फिर मैं उन्हें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इसी तरीके से दोस्तों मुझे सपोर्ट करते रहिए, और धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट और उसके बाद में शेयर जरूर करना दोस्तों।